दुर्ग जिले में फिलहाल लॉकडाउन के आसार नहीं। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त संगठनों की ली बैठक, जिसमें सभी को एहतियात बरतने के दिए निर्देश। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में गुरुवार को जिला प्रशासन के संयुक्त संगठनों की बैठक हुई और कोरोना संक्रमण को रोकने सुझाव आमंत्रित किए गए। इस बैठक में जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त अपर कलेक्टर पद्मिनी भोज साहू, निगम आयुक्त हरीश मंडावी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर शामिल रहे। इस मौके पर संयुक्त अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल दुर्ग जिले में संक्रमण की दर 4% से कम है। उन्होंने लॉकडाउन की तमाम संभावनाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि संक्रमण की दर को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। इस संबंध में संयुक्त अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई व व्यापार जगत सहित किसान मंच के लोगों द्वारा न्यूज टीम को जानकारी दी गई। जिले में लगातार कुछ 2-3 दिनों से कुछ जो कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इसी संबंध में जिले के सभी स्टेक होल्डर्स की आज बैठक ली गई और उन्हें उनके सुझाव लिए गए कि इस तरह हम जिले में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। सभी से अपील की गई कि लोगों में जागरूकता लाएं और मास्क का उपयोग करें और इस तरह हम कोविड को फैलने से रोका जा सके। तो किस तरह की तैयारियां हैं इसके लिए? अभी प्रशासन की ओर से मैक्सिमम टेस्टिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सब जगह टेस्टिंग हो रही है। साथ में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर सबकी अरेंजमेंट्स किया है। इसी सबकी जानकारी आज सभी जिले के स्टेक होल्डर्स को दिया भी गया और सभी ने इसमें अपने सुझाव भी दिए। मेरी लोगों से यही अपील है कि मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें और जरूरी कामों को दिनचर्या में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैम क्या प्रशासन, देखिए अभी जो सिचुएशन है अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है। हमारा जो रेट है 4% से कम है जिले में और इसलिए हमें एहतियात रखने की काफ़ी ज़रूरत है। जितना अधिक हम एहतियात रखेंगे, लोगों में जागरूकता रखेंगे और कोविड से फैलाव को रोक पाएंगे, हमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अनेक संगठन के प्रतिनिधिमंडल सुझाव देकर आमंत्रित करेंगे। इसे अलग अलग संगठन अपन अपन ढंग से अलग अलग सुझाव भी दिए हैं। हम किसान और मजदूर संगठन की तरफ से हमारा दो कहना है कि लॉकडाउन जैसे परिस्थिति कोई भी हालत में निर्मित नहीं होना चाहिए और इसका सबसे ज़्यादा असर पिछले 2 बार के कोरोना की लहर में अनुभव ये है कि लॉकडाउन के सबसे ज़्यादा यदि कोई नुकसान से है तो किसान और मजदूर में सही है। दूसरा बात यह है कि शासन प्रशासन के जो नीति 144 धारा लगा के पहला काम करते हैं धरना जुलूस प्रदर्शन में प्रतिबंध, शादी ब्याह में 200, शमशान घाट में 50-100, धरना जुलूस में 5 आदमी नहीं कर सके। ये अजीब विकर्मन का लॉजिक है कि धरना यानी पेंडेमिक एक्ट के मन दुरुपयोग करते विरोध के दमन करने के लोगन यहाँ पे शोषित पीड़ित वर्ग जो है जो कई कारण से यहाँ प्रशासन में सुनवाई नहीं हो के कारण सड़क में आंदोलन करते, एक मन के अधिकार में पहला हमला पेंडेमिक एक्ट में मन करते। हम तो हमारा दो टूक कहना है सिस्टम एक होना चाहिए। 200 आदमी यदि शादी ब्याह में अलाउ करो तो धरना जुलूस प्रदर्शन में 200 आदमी का अलाउ करो, ऐसा फर्क नहीं। धरना जुलूस प्रदर्शन 5 आदमी नहीं कर सको और बाकी शादी ब्याह में इतना और वहाँ मरघट में इतना सौ यात्रा में इतना, ये सब नौटंकी बंद होना चाहिए। हम दो टूक प्रशासन से आज कही ठीक द्वारा जो बैठक रखी गई इसमें सभी व्यापारी संगठनों को और व्यापारी वर्गों को बुलाया गया था और इसमें अच्छा निर्णय लिया गया, सभी ने अपनी राय दी और हम लॉकडाउन की ओर न बढ़े इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। सब लोग अपनी ओर से तैयारी प्रिपेड हैं कि कैसे अपन उस लॉकडाउन को रोका जाए, लॉकडाउन न लगे। लॉकडाउन लगने से बहुत सारी परेशानियां होती है, इससे व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग सबको तकलीफ होती है, इसका ध्यान रखा जाए, इसके लिए सब लोगों को प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।